गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज हम एक्सरसाइज 5.2 प्रोसीड करेंगे। आपकी इसमें फॉर्मूला nth टर्म का ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें फोर टर्म्स हैं, ए एन है कोई भी नंबर ऑफ टर्म, जैसे कोई ए पी दे रखी है आपको, उसमें कुछ स्टार्टिंग की 4-5 टर्म दे रही है, मिड की कोई 10th 11th 12th टर्म बोल दिया निकालने के लिए, तो वो होगा ए एन। ए फर्स्ट टर्म है ए पी की, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, जो सी नंबर की टर्म आपको बोला है, जो सी nth टर्म निकालने को कहा जाएगा, और डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखा है, उसमें ये फोर ऊपर हेडिंग्स डाली होंगी और कोई भी थ्री की वैल्यू दे रखी होगी, कोई फोर्थ मिसिंग होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है 7 D 3 N 8 और ए एन मिसिंग है। सेकंड पार्ट में ए -18 है, डी मिसिंग है, एन 10 है, ए एन 0 है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया, ए एन सेम था, कोई उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, पुट लिख दिया एज इट इज, जिनकी वैल्यू थी वो पुट किया, 8 -1 7, 7 × 3 = 21, 7 + 21 = 28, ये आ गया ए एन। नाउ सेकेंड पार्ट, ए एन जीरो था, ए की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की, डी की नहीं दे रखी थी, तो माइनस के 18 उधर जाके प्लस हो गया, 10 - 1 = 90, 9 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 × 7 = 18 आता है 2 पे, तो डी की वैल्यू हो जाती है 2। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको बोला है 30th टर्म फाइंड आउट करें ए पी की, ये ए पी दे रखी है और ये आपको एम सी क्यू दे रखे हैं नीचे, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आपको सॉल्व करना है, पहले जो चीज़ें आपको दे रखी हैं ए पी में से वो निकालिए। ए की वैल्यू है 10, फर्स्ट टर्म 10 है, ये लिखा 10, डी फाइंड आउट कर सकते हैं हम 7, nth टर्म निकालनी है वो एन होगा 30th, तो 30 n होगा। ये फॉर्मूला है पुट किया हमने, ए एन ए प्लस 30 - 1 × d, ए की जगह 10, 30 - 1 = 29 - 3, 29 - 3 इज -87, 10 - 87 इज -77, तो ये आपका सी की वैल्यू है। इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में आपको ऐसे ब्लैंक वाले बॉक्सेस टाइप कुछ दे रखा होगा, कॉमास लगा के कुछ आपको ए पी दी होगी, उसमें से कुछ तो मिसिंग होंगे, कुछ की वैल्यू दे रखी होगी, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। जैसे ये आपको यहाँ पे ए फर्स्ट दे रखा है, तो ए तो 2 हो गया, सेकंड मिसिंग है ए 3, थर्ड आपको एन टर्म दे रखी है ए 3 है 26, तो वैल्यू फॉर्मूला लिखिए ए 3 का, ए प्लस 3 - 1 × d, ए 3 हमें पता है 26 है वैल्यू पुट कर दी, ए भी आपको पता है 2 है वैल्यू पुट की, और 3 - 1 2 d यहाँ पे वैल्यू पुट की, 26 में से 2 उधर जाके माइनस होगा, 26 - 2 = 24, 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके उससे डिवाइड होगा, तो डी की वैल्यू आ जाती है 12। लेकिन यहाँ तक नहीं करना है हमें, जो आपको ब्लैंक दे रखे हैं उन सभी ब्लैंक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ब्लैंक के अंदर क्या था, ए 2, ये सेकेंड टर्म पे आ रहा है, ए 2 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 2 - 1 × d, ए की जगह 2, 2 - 1 × d, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 14। नो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ ए पी, ये ए पी है इज 78, इनमें से कौन सी टर्म ए पी की 78 है, nth नंबर बताना है हमें 78 कौन सा है। ए दे रखा है आपको 3, डी आप निकाल सकते हैं 8 - 3 = 5, 78, इनमें से कौन सी टर्म ए पी की 78 है, nth नंबर बताना है हमें 78 कौन सा है। ए दे रखा है आपको 3, डी आप निकाल सकते हैं 8 - 3 = 5, ए एन भी दे रखा है 78, एन नहीं है बस हमारे पास, तो आप फॉर्मूला लिखिए ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन है 78, ए की जगह 3, एन माइनस वन, डी की जगह 5, 3 उधर जाके माइनस हो गया 75, जो 5 इधर मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड किया हमने आंसर आता है 15, एन माइनस वन, अब हमें तो एन निकालना है, जो 1 माइनस का है वो उधर जाके फिर प्लस हो जाएगा, तो 15 + 1, एन की वैल्यू आ जाती है 16, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।